नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रिंस निषाद और मैं स्वागत करता हूं आपका मन्नत नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लेकर आ रहे हैं स्पेशल नॉट सेट थ्योरी क्लासेस, जिसमें हम डील करेंगे एग्जाम के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं, ऐसे हाई यील्ड क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, वो क्वेश्चंस जिनके बिना एग्जाम पेपर पूरा नहीं होता। ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप मेरे पीछे थंबनेल में देख रहे होंगे, मेरे पीछे बोर्ड पर भी दिख रहा होगा, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स क्या होती हैं? तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है एक स्मॉल सॉफ्ट ट्यूब जिसको नेजल रूट से होते हुए जीआईटी के अंदर डाला जाता है, जो कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है आपको, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब मतलब नेजल रूट से, नोज के थ्रू। गैस्ट्रिक मतलब जीआईटी के अंदर इंसर्ट करे जाने वाली ट्यूब को बोलते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जैसे कि आपके लिए एक रेफरेंस के लिए यहां पर एक फोटो लगा हुआ है, तो आपको जो ये ट्यूब दिख रही होगी, एक सिंपल ये ट्यूब दिख रही है जो कि नेजल रूट से ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जा रही है, और अमूमन इसको स्टमक से आगे जाके इंटेस्टाइन तक भी डाला जाता है। इस ट्यूब को बोलते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ये जो ट्यूब होती है थिन सॉफ्ट ट्यूब होती है, पतली सी ट्यूब होती है। आप ये देखेंगे कि इधर रेफरेंस के लिए एक ट्यूब बनी हुई है, ये जो ट्यूब है सॉफ्ट ट्यूब, पतली सी ट्यूब होती है, और ये बनी होती है पीवीसी की। ये जो ट्यूब है ये बनी होती है पीवीसी की, ये कई बार बनी होती है सिलिकॉन की, और ये किस मेटल मटेरियल से बनी है इस पर डिपेंड करती है इसकी लाइफ। जैसे कि पीवीसी वाली जो ट्यूब होती है वो आपको अमूमन 2 वीक्स की लाइफ देती है, और सिलिकॉन वाली जो ट्यूब होती है वो आपको 6 वीक्स की लाइफ देती है। ये जो सिंपल एक ट्यूब बनी हुई है, ये सभी तरीके की नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के ऊपर ऐसी एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर ग्रीन कलर की जो लाइनिंग है वो इंडिकेट कर रही है इसका साइज। कई बार ये जो लाइनिंग है रेड कलर की, ऑरेंज कलर की होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो इस पर जो ये ग्रीन कलर की लाइनिंग आपको दिख रही है, वो जो ग्रीन कलर की लाइनिंग है ये इसका बता रही है साइज। साइज इंडिकेटिंग लाइनिंग है ये, साइज इंडिकेटिंग लाइन। इस पूरी की पूरी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के ऊपर एक रेडियो ओपेक लाइन और होती है, जो कि इसके पीछे दिख नहीं रही है, तो मैं बताता हूं कि इसके ऊपर एक रेडियो ओपेक लाइन होती है। रेडियो ओपेक लाइन का काम क्या है? तो आप बोलेंगे रेडियो ओपेक जो लाइन होती है, रेडियो ओपेक लाइन जब हम इसको प्लेस कर देंगे, हम नेजल रूट से होते हुए इसे इंटेस्टाइन में डाल देंगे, स्टमक में डाल देंगे, ईसोफेगस में डाल देंगे, इसके बाद हम इसका प्लेसमेंट चेक करेंगे। प्लेसमेंट चेक करने के लिए हम इसका एक्सरे करते हैं, तो रेडियो ओपेक लाइन जो है वो एक्सरे में कॉन्ट्रास्ट मीडियम पैदा करती है और चमकती है। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारी ट्यूब है ये इंटेस्टाइन में है, स्टमक में है, या फिर ईसोफेगस में है, सही जगह पर है कि नहीं। इसका प्लेसमेंट चेक करने के लिए रेडियो ओपेक लाइन का कहां पर है वो देखना हमें बहुत जरूरी है। एक और है, इसमें आपको दिख रहा है यहां पर एक होल है। ये जो होल है इसको बोलते हो आपकी डिस्टल होल है। इसी होल के थ्रू आप जो भी कुछ फीडिंग या सक्शन आप करना चाहते हैं तो इस होल के थ्रू ही वो बाहर आएगा। फीडिंग देना चाहते हैं इसी होल के थ्रू अंदर जाएगा। और ये सिंगल ल्यूमन ट्यूब है, आपको दिख रहा होगा कि इसकी स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही टिप है, एक ही पोर्ट निकला हुआ है, और इस पोर्ट का ये कैप है। आप बोलेंगे कि ये स्पोर्ट का कैप है, तो आप बोलेंगे ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये पोर्ट है, और पोर्ट विद लॉक है, इसका लॉक लगा हुआ है, कैप लॉक होता है। इसके ऊपर आप ये देखेंगे कि यहां पर एक छोटी छोटी बारीक बारीक लाइनिंग्स और है, ऐसे सीधी सीधी लाइनिंग्स और बनी होती है। ये जो लाइनिंग्स है आप बोलेंगे ये क्या लाइनिंग है, तो ये मार्किंग के लिए लाइनिंग बनी होती है, मार्किंग के लिए लाइनिंग बनी होती है, मतलब कितनी लंबी हो गई। और ये जो लाइनिंग बनी होती है ये साइज में बनी होती है, मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये मार्किंग्स बनी होती है। तो हमारी जो एनजी ट्यूब होती है वो सिंपल इतनी, ये जो चीजें हैं ये सभी एनजी ट्यूब में होती है। आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स। ये जो एनजी ट्यूब है इसमें सभी चीजें होती है, जैसे कि पीवीसी या सिलिकॉन की बनी होगी, जितनी भी एनजी ट्यूब होंगी वो सब बनी होंगी, उनके ऊपर एक साइज इंडिकेटिंग लाइन होगी, अलग अलग कलर की अलग अलग इंडिकेट करती है, सभी एनजी ट्यूब पर होगी, सभी पर रेडियो ओपेक लाइन होगी, सभी के डिस्टल टिप पर होल होगा या बलून होगा, सभी का ये सिंगल ल्यूमन है तो एक ल्यूमन में पोर्ट बना हुआ है, उसके ऊपर कैप भी है, लॉक है, वो होता है, और सबके ऊपर मार्किंग बनी होती है। मार्किंग से हम बताते हैं कि हमें कितनी ट्यूब इंसर्ट करनी है, मेजरमेंट करने के लिए हेल्प करती है। आगे हम देखते हैं कि ये ट्यूब कितने तरीके की होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि ट्यूब कितने तरीके की होती है। मैंने आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ट्यूब कितने तरीके की होती है।
सिंपल वे में बात करें, हम जब एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, आपने एनजी ट्यूब को नेजल रूट से इंसर्ट किया, नेजल रूट से अगर आपने ईसोफेगस तक पहुंचा दिया तो आप बोलोगे ईसोफेजियल ट्यूब है। उसको स्टमक तक लेकर गए तो आप बोलोगे कि स्टमक वाली गैस्ट्रिक ट्यूब है। आप स्टमक से आगे इसको इंटेस्टाइन तक लेकर गए तो आप बोलोगे कि इंटेस्टाइनल ट्यूब है। यही करके देखते हैं, यही बनाकर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक ट्यूब निकाल रहा हूं और इस ट्यूब को मैं नेजल रूट से ईसोफेगस से होते हुए, ये स्पिंचर पाया जाता है, इस स्पिंचर से होते हुए स्टमक में डाल देता हूं। मोस्ट कॉमनली यूज करे जाने वाली ट्यूब यही होती है। इसका एक पोर्ट बना देते हैं और इसके ऊपर ओपनिंग होंगी, जैसे ये ओपनिंग बना दी हमने, ये ओपनिंग बना दिया हमने और ये ओपनिंग। तो ये वाली जो ट्यूब है मैंने कहां प्लेस करी है, तो आप देखेंगे ये वाली जो ट्यूब है मैंने स्टमक के अंदर प्लेस करी है। नेमिंग कर देते हैं एक बार, ये जो आपको स्पिंचर दिख रहा है, इस स्पिंचर का नाम है, ये कार्डियक स्पिंचर कहा जाता है इसे, कार्डियक स्पिंचर, स्पिंचर। ये वाला जो स्पिंचर है पाइलोरिक स्पिंचर कहा जाता है, पाई स्पिंचर कहते हैं इसे, पाइलोरिक स्पिंचर। कार्डियक स्पिंचर के ऊपर ये जो वाला जो पार्ट है इसको ईसोफेगस कहते हैं, इस पार्ट को ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस। कार्डियक स्पिंचर के नीचे और पाइलोरिक स्पिंचर से पहले ये वाला जो आपका पार्ट है, इस पार्ट को पूरे को बोलते हैं स्टमक, स्टमक, स्टमक। हमने जो ये ट्यूब डाली है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, आपको पहचानने में इजी रहेगी। हमने जो ये ट्यूब डाली है, ये जो ट्यूब हमने डाली है, ये ट्यूब नेजल रूट से होकर ईसोफेगस से पार कर कार्डियक स्पिंचर से निकलकर स्टमक के अंदर डली हुई है। इसलिए इस ट्यूब को आप बोलोगे नेजल रूट से निकलकर, ईसोफेगस से निकलकर स्टमक में डली है। स्टमक के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं गैस्ट्रिक, तो इस ट्यूब का नाम भी हो जाएगा। इस ट्यूब को आप बोलोगे ये कैसी ट्यूब है, तो आप बोलेंगे ये नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब है, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, गैस्ट्रिक ट्यूब, जिसको आप एनजी ट्यूब कहते हैं, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब है। नेक्स्ट ट्यूब देखते हैं, यही सेम ट्यूब अगर हम इसकी लेंथ बढ़ा करके, इसकी लेंथ बढ़ा करके हमने नेजल रूट से डाली और इसकी लेंथ बढ़ा करके हमने ईसोफेगस में डाल दी, ईसोफेगस से कार्डियक स्पिंचर से होते हुए स्टमक में डाल दी और स्टमक से भी हमने क्रॉस करा के पाइलोरिक स्पिंचर से होते हुए इंटेस्टाइन तक पहुंचा दी। पाइलोरिक स्पिंचर के इस साइड, ये नेम कर देता हूं, पाइलोरिक स्पिंचर के इस साइड, पाइलोरिक स्पिंचर के इस वाला हिस्सा, इसको कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है तो ये है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। अमूमन हम, मैंने आपको यहां पर जो ट्यूब डाली है वो मैंने दिखाया कि पाइलोरिक स्पिंचर से, कार्डियक स्पिंचर से होते हुए पाइलोरिक स्पिंचर से पार करके ड्यूडेनम तक पहुंच गई है। हम इसको आगे भी लेकर जा सकते हैं, हम इसको ड्यूडेनम की जेजनम में लेकर जा सकते हैं, इलियम तक लेकर जा सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट में लेकर जा सकते हैं। तो इस ट्यूब का आप बोलोगे कि ये किस तरीके की ट्यूब है, इसकी स्टार्टिंग में भी यहां पर पोर्ट बना होगा और इसकी यहां ओपनिंग भी बनी होगी, इसके अंदर ओपनिंग भी बनी होगी। इस ट्यूब को, इस तरीके की ट्यूब को आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि ये है नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब्स, इंटेस्टाइनल ट्यूब्स, इंटेस्टाइनल ट्यूब्स, जो कि नोज नेजल रूट से होकर, ईसोफेगस से होकर स्टमक को क्रॉस करते हुए पाइलोरिक स्पिंचर से होते हुए इंटेस्टाइन में जाती है। जाने के लिए वो ड्यूडेनम जा सकती है, जेजनम जा सकती है, आप इलियम तक में डाल सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूब है जो कि स्पेशल टाइप की हमारी ट्यूब होती है, स्पेशल है ये। स्पेशल क्यों है, आप बोलेंगे कि हमने स्टमक में डाली थी तो उसको गैस्ट्रिक बोल दिया, इंटेस्टाइन में डाली थी तो उसको इंटेस्टाइनल ट्यूब बोल दिया, ईसोफेगस में डालने वाली ईसोफेजियल ट्यूब हो जाती है। आप सही बता रहे हैं, पर ईसोफेगस में डालने वाली नहीं, ईसोफेगस के लिए डालने वाली को आप ईसोफेजियल ट्यूब बोलते हैं। करके देखते हैं, मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। जैसे हमने ईसोफेगस में एक ट्यूब डाल दी और इस ट्यूब को मैंने यहां तक कनेक्ट कर दिया, पहले ईसोफेजियल ट्यूब्स को डालने का कारण क्या होता है, तो ईसोफेजियल ट्यूब्स को डालने का कारण क्या होता है, तो आप बोलेंगे ईसोफेजियल ट्यूब्स का डालने का कारण अलग है। ईसोफेजियल ट्यूब्स जो है, ईसोफेजियल ट्यूब्स, ईसोफेजियल ट्यूब्स, इसको हम हमेशा ईसोफेजियल, ईसोफेजियल
वेरिसिस के लिए डालते हैं। ईसोफेजियल वेरिसिस क्या होता है? तो ईसोफेजियल वेरिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ईसोफेगस की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं और वहां से फ्लूड या ब्लड लीक होने लगता है। देखिए मैं कर देता हूं आपके सामने, ईसोफेगस की ब्लड वेसल्स लीक हो जाती हैं और इसके यहां से ब्लड या फ्लूड लीक होने लगता है। और कहां आने लगता है? तो आप बोलेंगे स्टमक में आने लगता है। इसको ट्रीट करने के लिए ईसोफेजियल ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। ईसोफेजियल ट्यूब्स मैंने ऐसे येलो कलर की आपसे बनाई है। इसके अंदर यहां आप क्या करोगे, ईसोफेजियस अगर से अंदर से ब्लड लीक हो रहा है उसके अंदर, तो आप अंदर से प्रेशर लगाओगे ताकि जो ब्लड लीक हो रहा है वो रुक जाए। तो आपने ईसोफेजियल ट्यूब डाली, उस ट्यूब के अंदर क्या मिलेगा आपको देखेंगे, तो इसके अंदर एक ऐसे बलून देखने को मिलेगा आपको, इन्फ्लेटेबल बलून देखने को मिलेगा। आपने ट्यूब डाली, ट्यूब के बाद एक बलून इन्फ्लेट कर दिया जिसके कारण से ईसोफेगस में अंदर से प्रेशर लगने लग गया और उसकी जो वॉल है ईसोफेगस की वहां प्रेशर के कारण से ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक गई। अब इसको फिक्स करने के लिए कार्डियक स्पिंचर के इस तरफ आपने एक और बलून लगा दिया ताकि ये अपनी जगह फिक्स रहे। अब आपने इसको फिक्स कर दिया, लेकिन अब आप ये बताएं कि ये पेशेंट फीडिंग कैसे करेगा। तो फीडिंग करने के लिए या फिर सक्शन करने के लिए, यहां पर सक्शन करने के लिए होल्स और होते हैं, डिस्टल एंड पर इसके होल्स और होते हैं। आपने इसको सक्शन करवा दिया, लेकिन आपको पता है कि हमारा पूरा जो जीआईटी ट्रैक है वो जीआई ट्रैक म्यूकोसल लाइनिंग से लाइंड है और म्यूकोसल लाइनिंग म्यूकस का सीक्रेशन करती है। म्यूकस का सीक्रेशन होगा, ये म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा है, ये म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा है, पिंक कलर का ये म्यूकस का सीक्रेशन कर रही है और ये म्यूकस का सीक्रेशन होता रहेगा। म्यूकस से पूरा ईसोफेगस बचा हुआ भर जाएगा और म्यूकस वापस निकल के कहां जा सकता है? तो आप बोलोगे कि ट्रैकिया में जा सकता है। तो ट्रैकिया में जाएगा, एक्सपायरेशन का रिस्क हो जाएगा। तो इस ईसोफेगस में जो म्यूकस का सीक्रेशन है इसे भी क्लीन करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस ट्यूब के अंदर यहां पर भी एंडिंग होल्स होते हैं और इस होल से आप सक्शन कर सकते हो। मतलब आप देखिए कि इसमें कितने सारे होल्स हो गए, कितने सारे बलून्स हो गए। तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर एक तो हमने देखा कि गैस्ट्रिक रीजन में होल्स होते हैं एक, तो आप बोलोगे कि एक ल्यूमन तो हमने बना रखा है, एक है, एक हमने देखा कि गैस्ट्रिक बलून के लिए है, तो आप बोलोगे एक और होता है जिसको गैस्ट्रिक बलून बोलते हैं, उसके लिए ल्यूमन होता है। एक ईसोफेजियल बलून है, तो ईसोफेजियल बलून के लिए तीन ल्यूमन होते हैं। एक लास्ट में ईसोफेजियल सक्शनिंग के लिए होल्स होते हैं, तो इसके अंदर चार ल्यूमन पाए जा सकते हैं, चार ल्यूमन, फोर ल्यूमन ट्यूब होती है। इसमें हमने सिर्फ सिंगल सिंगल ल्यूमन ट्यूब देखा था, इसलिए हम ये पढ़ते हैं कि ईसोफेजियल ट्यूब्स जो है ये स्पेशल टाइप की ट्यूब होती है, स्पेशल ट्यूब है ये। इसमें सिंगल ल्यूमन ट्यूब नहीं होती, इसके अंदर आप थ्री ल्यूमन ट्यूब पढ़ोगे, इसके अंदर फोर ल्यूमन ट्यूब पढ़ोगे, कहने के लिए टू ल्यूमन ट्यूब भी होती है, पर बेसिकली थ्री और फोर ल्यूमन ट्यूब होती है। इसके अंदर सिंगल ल्यूमन ट्यूब प्रेजेंट नहीं होती, जिसके अंदर एक पोर्ट आप देखेंगे तो वो गैस्ट्रिक सेक्शन के लिए है, एक पोर्ट गैस्ट्रिक बलून के लिए है, एक पोर्ट ईसोफेजियल बलून के लिए है, एक पोर्ट आपके लिए ईसोफेजियल सक्शनिंग के लिए है। आगे हम इसको और अच्छे से देखेंगे। तो इन ट्यूब्स को क्या बोलोगे आप, इन ट्यूब्स का नाम हम रखेंगे, इन ट्यूब्स को बोलते हैं नेजो ईसोफेजियल ट्यूब्स, ईसोफेजियल ट्यूब्स, नेजो ईसोफेजियल ट्यूब्स। यही पर बात कर लेते हैं कि हमने नेजो गैस्ट्रिक और नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब्स पढ़ी। नेजो गैस्ट्रिक और नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब्स हमने देखा कि ईसोफेजियल ट्यूब्स, मैंने बताया आपको कि ईसोफेजियल वेरिसिस के लिए हम प्रिवेंट करने के लिए उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो नेजो इंटेस्टाइनल और नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब का क्यों इस्तेमाल करते हैं, यहीं पर मैं लिख देता हूं कि नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब्स का हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल चीजों के लिए, जैसे कि आपको किसी को फीडिंग प्रोवाइड करनी है, फीडिंग देनी है, जैसे किसी पेशेंट की आपको सक्शनिंग करनी है, सक्शनिंग करनी है, किसी पेशेंट की गैसियस डिस्टेंशन को ट्रीट करना है, गैसियस डिस्टेंशन को ट्रीट करना है, डिस्टेंशन को ट्रीट करना है, जब इसका इस्तेमाल करेंगे। हमको किसी पेशेंट के साथ लावाज या गावाज करना है, लावाज या फिर गावाज करना है। गावास क्या होता है, फ्लूड को एडमिट करना, फ्लूड या मेडिकेशन को एडमिट करना। गावास क्या होता है, उसमें से निकालना। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन होगी तो आप नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे। इंटेस्टाइनल ट्यूब्स का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो इंटेस्टाइनल ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है जब आप फ्लूड को
या फिर मेडिकेशन को स्टमक के अंदर एडमिनिस्टर नहीं कराना चाहते, आप डायरेक्ट इंटेस्टाइन के अंदर एडमिनिस्टर कराना चाहते हो। जैसे कि किसी को अभी अभी गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है तो आप फीड कराओगे तो आप डायरेक्ट इंटेस्टाइन में डालोगे क्योंकि स्टमक जो है वो कैपेबल नहीं है। तो आप उस टाइम के लिए आप जब फीडिंग कराना चाहते हैं इंटेस्टाइनल फीडिंग अगर कराना चाहते हैं तब इंटेस्टाइनल ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। आप बोलेंगे कि किसी पर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, इंटेस्टाइनल ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। आप बोलेंगे कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीफ करने के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं। सक्शनिंग करने के लिए इंटेस्टाइनल ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट सेम है, सेम आप फीडिंग कराने के लिए, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के लिए, सब चीज के लिए आप इंड्यूस का इस्तेमाल करते हैं। स्टमक वाली गैस्ट्रिक का इस्तेमाल कब करोगे, तो गैस्ट्रिक का इस्तेमाल तब करोगे तो आपको एडमिनिस्टर करनी है स्टमक के अंदर। इंटेस्टाइन का इस्तेमाल कब करोगे, तब आपको एडमिनिस्टर करनी है इंटेस्टाइन के अंदर, जब स्टमक कैपेबल नहीं है तब। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो ट्यूब्स है ल्यूमन्स में पाई जाती है। जैसे कि आपने देखा कि ये जो बनाई थी इसका एक ही पोर्ट था, यहां जो बनाई थी इसके चार पोर्ट थे, तो एक पोर्ट वाली को बोलते हैं सिंगल ल्यूमन ट्यूब्स, दो पोर्ट वाली को बोलते हैं डबल ल्यूमन ट्यूब्स, तीन पोर्ट वाली को बोलते हैं थ्री ल्यूमन ट्यूब्स, फोर ल्यूमन ट्यूब्स, इस तरीके की काफी सारी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स होती हैं। जैसे आगे हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंगल ल्यूमन ट्यूब्स के बारे में। सिंगल ल्यूमन ट्यूब्स, जैसे मैं आपको बताया कि ईसोफेजियल ट्यूब्स स्पेशल ट्यूब्स होती हैं, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। हम पहले सिर्फ इंटेस्टाइनल ट्यूब्स और गैस्ट्रिक ट्यूब्स पढ़ते हैं। तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सिंगल ल्यूमन ट्यूब्स आपको देखने को मिलेंगी। सिंगल ल्यूमन ट्यूब्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि नेजोगैस्ट्रिक सिंगल ल्यूमन ट्यूब्स कौन सी होती हैं। तो नेजोगैस्ट्रिक सिंगल ल्यूमन ट्यूब्स होती हैं, एक सिंगल ल्यूमन ट्यूब है आपको देखने को मिल रही होगी, ये एक सिंगल ट्यूब है और ये सिंगल ट्यूब है। इस सिंगल ट्यूब के डिस्टल एंड पे होल्स प्रेजेंट है, होल्स, और इस ट्यूब के स्टार्टिंग में पोर्ट प्रेजेंट है, एक पोर्ट प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं कि सिंगल ल्यूमन ट्यूब है और एक इस तरीके की गैस्ट्रिक ट्यूब है। इस ट्यूब का नाम है, आप बोलेंगे, जो आप मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल एनवायरमेंट में इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट कॉमनली आपने इसे देखा होगा, इस ट्यूब का नाम है, इसको बोलेंगे लेवाइन ट्यूब। इसी को हॉस्पिटल में राइल्स ट्यूब नाम से जाना जाता है। आप बोलेंगे कि किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये ट्यूब मल्टीपर्पज ट्यूब है। इसका हम फीडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सक्शनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गैसियस डिस्टेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई सारे काम है। सिंगल ल्यूमन ट्यूब है, लेवाइन ट्यूब होती है, जिसके ऊपर वही सेम जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि इसके ऊपर एक कलर की लाइनिंग होगी जो उसका इंडिकेट करती है साइज, इसके ऊपर मार्किंग्स होंगी जो मेजरमेंट के लिए काम आती है, इसके ऊपर रेडियोपेक लाइन होगी जो कि प्लेसमेंट के बारे में बताएगी, और सेम छोटी सी ट्यूब होती है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था हमारे हॉस्पिटल एनवायरमेंट में, इसको बोलते हैं लेवाइन ट्यूब। सिंगल ल्यूमन ट्यूब है, एक तरीके की गैस्ट्रो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, स्टमक में डालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंगल ल्यूमन ट्यूब पर इंटेस्टाइन में डाली जाने वाली। अब आपके दिमाग में सिंपल ये बात आ रही होगी कि हमको नेजल रूट से होते हुए ईसोफेगस से स्टमक में का ट्यूब डालनी है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो छोटी होगी, और अगर इसके आगे इंटेस्टाइन में डालनी है तो ये लंबी होगी। तो ये सारी ट्यूब्स और इसमें सिर्फ इतना फर्क, सिंपल एक फर्क, बेसिक फर्क यह है कि इस इंटेस्टाइनल ट्यूब्स की लेंथ जो है वो बड़ी होती है। देखते हैं कि इसमें सिंगल ल्यूमन ट्यूब्स कौन कौन सी होती है। तो इसमें सिंगल ल्यूमन ट्यूब्स होती है, आपको देखने को मिल रहा होगा, ये भी एक सिंपल ट्यूब है, जैसे कि हमने पीछे लेवाइन ट्यूब पढ़ी, सिंपल ट्यूब है, पर आप देखें कि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है, और इसके भी डिस्टल एंड पे होल्स बने हुए हैं, और इसके स्टार्टिंग में ये पोर्ट बना हुआ है जो कि ऑरेंज कलर का है, जो कि इंडिकेट कर रहा है इसका कलर, पोर्ट बना हुआ है। ये ट्यूब लेवाइन ट्यूब की तरह ही है, पर इसका साइज बहुत बड़ा है, मतलब ये इंटेस्टाइन में डालने के लिए बनी हुई है। इस ट्यूब को आप बोलते हैं, सिंपल ट्यूब को, इसको आप बोलते हैं हैरिस ट्यूब
हैरिस ट्यूब, हैरिस ट्यूब एक सिंपल ट्यूब है, ये भी सेम वही काम करती है, फीडिंग देने के काम आती है, मेडिकल मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने के लिए काम आती है, गैसेस डिस्टेंस को ट्रीट करने के लिए काम आती है, लेकिन कहां? तो आप बोलेंगे इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर काम आती है। नेक्स्ट ट्यूब है जिसका नाम है कैंटोर ट्यूब, जिसका नाम है कैंटोर ट्यूब। कैंटोर ट्यूब किस तरीके की ट्यूब होती है? तो आप देखें, आप देख रहे होंगे कि ये भी एक सिंगल ल्यूमन ट्यूब है, ऐसे करके सिंगल ल्यूमन ट्यूब है और काफी लंबी ट्यूब है, बड़ी ट्यूब है, और इसके लास्ट डिस्टल एंड पे एक बलून लगा हुआ है, एक बलून लगा हुआ है, बलून का मैं कलर चेंज करता हूं, एक बलून लगा हुआ है और इसके पोर्ट बना हुआ है, मतलब इसके डिस्टल एंड पे एक बलून लगा होता है। इस ट्यूब का आप बोलते हैं, इस ट्यूब का आप नाम देते हैं, इस ट्यूब का नाम है कैंटोर ट्यूब, इस ट्यूब का नाम है कैंटोर ट्यूब, कैंटोर ट्यूब, कैंटोर ट्यूब। क्या काम है इसका? तो आप बोलेंगे कैंटोर ट्यूब है, कैंटोर ट्यूब के डिस्टल एंड पे एक बल्ब प्रेजेंट होता है, और इस एग्जाम में इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको एक सिंपल लंबी ट्यूब दिखेगी जिसके डिस्टल एंड पे एक बलून लटका हुआ है, उस बलून का काम क्या है? तो हम इसको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, इस बलून के अंदर मरकरी या फिर टंगस्टन जैसे मेटल भर देते हैं जो वेट में हैवी होते हैं, और हम नेजल रूट से या ओरल रूट से उसके इंसर्ट करते हैं, ये ईसोफेगस से, स्टमक से होते हुए कार्डिक स्पिंजर से होकर, पाइलोरिक स्पिंजर से होकर इंटेस्टाइन में जाती है। मरकरी और टंगस्टन भरने का कारण क्या है? तो वेट, वेट के कारण से ग्रेविटी, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये नीचे की तरफ जाती है और ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीफ कर देती है। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कैंटोर ट्यूब में, एक कैंटोर ट्यूब के अंदर आपको स्पेशल चीज आ रही है कि इसके डिस्टल एंड पर, डिस्टल एंड पर एक बल्ब पाया जाता है, डिस्टल एंड पर, डिस्टल एंड पर बल्ब देखने को मिलता है। इस बल्ब के अंदर आप बोलेंगे क्या फिल करना होता है? तो इस बल्ब के अंदर मरकरी फिल करी जाती है, इस बल्ब के अंदर मरकरी फिल करी जाती है, मरकरी। इस बल्ब के अंदर टंगस्टन फिल किया था, टंगस्टन, टंगस्टन, और इनको फिल करने का कारण क्या है कि ये दोनों ही क्यों? तो आप बोलेंगे कि ये हैवी मेटल्स हैं, वेट में हैवी होते हैं, हैवी मेटल्स हैं, वेट में हैवी मेटल्स हैं, इसलिए इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन को लीव कर देते हैं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये भी सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है, इंटेस्टाइन तक जाती है, इसलिए उसको नेसो इंटेस्टाइनल ट्यूब कहते हैं। नेक्स्ट ट्यूब जिसका नाम है डॉबोफ ट्यूब, जिसका नाम है डॉबोफ ट्यूब, इसका नाम है डॉबोफ ट्यूब, डॉबोफ ट्यूब। डॉबोफ ट्यूब आपको जैसे देखने के लग रही होगी, ये बाकी सारी ट्यूब से पतली ट्यूब है, ये बाकी सभी ट्यूब से पतली ट्यूब है, ये बाकी सारी ट्यूब से पतली ट्यूब है, आपको देखने को मिल रहा होगा पतली सी ट्यूब है। बाकी सारी जो ट्यूब्स थी, बाकी सारी जो ट्यूब्स थी वो मोटी थी, ये वाली जो है ये पतली ट्यूब है, पतली ट्यूब है। तो आप बोलेंगे डॉबोफ ट्यूब के अंदर स्पेशल बात क्या है? तो डॉबोफ ट्यूब के अंदर स्पेशल बात यह है कि यह थिनेस्ट ट्यूब होती है, थिनेस्ट ट्यूब होती है, बहुत पतली होती है, थिनेस्ट ट्यूब है ये, थिनेस्ट ट्यूब, आप बोलेंगे थिनेस्ट ट्यूब होती है। अब ये थिनेस्ट होती है तो जब भी आप इसको इंसर्ट करते हो तो पेशेंट को डिसकंफर्ट ज्यादा नहीं होता, बोलेंगे मोस्ट कंफर्टेबल ट्यूब, मोस्ट कंफर्टेबल ट्यूब, मोस्ट कंफर्टेबल ट्यूब, कंफर्टेबल ट्यूब, डॉबोफ ट्यूब होती है। लेकिन यहीं पर आता है एक कैच, ये इतनी पतली ट्यूब है तो आप जब इसको इंसर्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा चांस है ये मुड़ जाए, किंक हो जाए, वापस आ जाएगी मुड़कर, तो इसलिए इसको इंसर्ट करते टाइम इसके अंदर डाला होता है कि स्टाइलेट, आप देख रहे होंगे जैसे इसके ऊपर एक स्टाइलेट लगा हुआ है जो कि स्टाइलेट इसको इंसर्ट करते टाइम डाला जाता है इसके अंदर, और इंसर्ट करने के टाइम पे इसके अंदर स्टाइलेट डाला जाता है, फिर आप इंसर्ट कर देते हैं इंटेस्टाइन तक जहां पर आपको प्लेस करना है प्लेस करते हैं, फिर स्टाइलेट को निकाल लिया जाता है, और ये मुड़े ना इसके लिए डिस्टल एंड पर, यहां पर इसकी जो टिप है ये मेटल टिप होती है। तो मैं नेमिंग कर देता हूं एक बार कि इसके अंदर स्टाइलेट डाला जाता है, स्टाइलेट की हेल्प से इसको इंसर्ट किया जाता है, स्टाइलेट लगा होता है। इकलौती ऐसी ट्यूब जिसको स्टाइलेट की हेल्प से इंसर्ट किया जाता है तो वो डॉबोफ ट्यूब है, मोस्ट कंफर्टेबल ट्यूब डॉबोफ ट्यूब है। लॉन्ग टर्म किसी को फीडिंग प्रोवाइड करनी है तो डॉबोफ ट्यूब से करेंगे, मोस्ट कंफर्टेबल ट्यूब है। आप बोलेंगे कि डॉबोफ ट्यूब के डिस्टल एंड पर एक मेटल टिप लगी होती है, मेटल टिप, मेटल टिप होती है, मेटल टिप प्रेजेंट होती है, मेटल टिप,
मेटल टिप प्रेजेंट होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि डॉवर्फ ट्यूब का काम क्या है, तो वही सारे काम है। आप बोलेंगे कि इससे फीडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, फीडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, डॉवर्फ ट्यूब से फीडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, डॉवर्फ ट्यूब से फीडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, फीडिंग, डॉवर्फ ट्यूब से मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं। पर आप क्या नहीं कर सकते, तो आप बोलेंगे डॉवर्फ ट्यूब से आप इरिगेशन लावाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो ल्यूमन है वो थिन ल्यूमन है, मोस्ट थिनेस्ट ट्यूब है ये, तो आप इसके अंदर कुछ भी फ्लूड डालेंगे निकालेंगे तो इतने अच्छा इफेक्टिव इरिगेशन नहीं हो पाएगा, तो लावाज नहीं कर सकते। आप बोलते हैं इसके साइड में आप लिखते हैं कि इधर सब आप आराम सब कुछ कर सकते हैं, बढ़िया ट्यूब है ये, बस इसके अंदर एक्सेप्ट लावाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, इसका लावाज नहीं कर सकते, इसके अंदर इरिगेशन नहीं कर सकते आप ट्यूब का। तो हमने जितनी देखी ये सारी कैसी हैं, तो आप बोलेंगे ये सारी सिंगल ल्यूमन ट्यूब्स हैं, और सिंगल ल्यूमन ट्यूब्स में आपने देखी नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब्स, नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब्स। नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब में सिंगल ल्यूमन ट्यूब एक ही होती है, इसको बोलते हैं लेवाइन ट्यूब, रायल्स ट्यूब, जिसका हम कॉमनली मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एनवायरमेंट में इस्तेमाल करते हैं। रायल्स ट्यूब का इस्तेमाल हम फीडिंग के अंदर, सक्शन के अंदर, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, लावास गावास डिस्टेंशन के सबके अंदर कर सकते हैं, ये मल्टीपर्पज ट्यूब है। नेक्स्ट हमने देखी कि इंटेस्टाइनल ट्यूब्स, इंटेस्टाइनल ट्यूब्स में आपने देखा एक ट्यूब है हैरिस ट्यूब, हैरिस ट्यूब सिंपल ट्यूब है जैसे कि लेवाइन थी, बस साइज में ज्यादा बड़ी है। फिर हमने देखा कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीफ करने के लिए एक और ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं कैंटोर। उसको पहचानोगे कैसे, तो ट्यूब है, ट्यूब के एंड पे एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के अंदर मरकरी फिल करेंगे जिससे वो हैवी हो जाएगी और अंदर चली जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन को उठा देगी। एक और ट्यूब है जिसका जिसको बोलते हो पतली सी ट्यूब आपको देखने को मिलेगी और स्टाइलेट लगा हुआ उसके अंदर, तो आप बोलोगे ये कैसी ट्यूब है, डॉवर्फ ट्यूब है। ये सभी ट्यूब्स जो हैं सिंगल ल्यूमन ट्यूब है, आप देख रहे हैं कि सबके जो पोर्ट है वो एक एक पोर्ट है, सिर्फ एक पोर्ट है, एक पोर्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल ल्यूमन ट्यूब्स के बारे में, डबल ल्यूमन ट्यूब्स, डबल ल्यूमन ट्यूब्स, डबल ल्यूमन ट्यूब्स की वैसी बात करते हैं, एक होती है नेजो गैस्ट्रिक और एक होती है नेजो इंटेस्टाइनल। तो नेजो गैस्ट्रिक की पहले बात करते हैं, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब आपको ये दिख रही होगी सबसे पहले, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर एक पोर्ट तो ये वाला है, एक पोर्ट तो इसका ये वाला है, और ये पोर्ट से ये ट्यूब जा रही है, और ये ट्यूब है। इसके साथ इसका एक और पोर्ट है जो आपको दिख रहा होगा, ये एक्स्ट्रा पोर्ट जो निकला हुआ है, एक्स्ट्रा पोर्ट जो निकला हुआ है, और ये पोर्ट भी इसके अंदर ही जा रहा है, और आगे जाके ये भी इन्हीं होल से ओपन हो रहा है। अच्छा, तो इसमें आप बोलेंगे ये किस तरीके की ट्यूब है, तो आप बोलोगे कि ये इसमें दो ल्यूमन है, तो ये डबल ल्यूमन ट्यूब है, इसलिए इसको डबल ल्यूमन में रखा हुआ है। इसमें क्या होता है, तो एक पोर्ट तो नॉर्मल पोर्ट है जिसके अंदर से आप फीडिंग वगैरह देंगे, जिसके अंदर से आप सक्शनिंग वगैरह करेंगे, तो आप बोलते हैं कि ये वाला जो ल्यूमन है ये फर्स्ट ल्यूमन है, फर्स्ट ल्यूमन, फर्स्ट ल्यूमन है। फर्स्ट ल्यूमन का काम क्या है, तो वही सेम फीडिंग देने का काम है, सक्शनिंग कर सकते हैं आप, सक्शनिंग कर सकते हैं, सक्शनिंग, मेडिसिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मेडिसिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। पर ये सेकेंड ल्यूमन है, ये क्या है, तो आप बोलेंगे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जिसके अंदर दो ल्यूमन होते हैं, इसके अंदर जो सेकेंड ल्यूमन है, ये जो सेकेंड ल्यूमन है ये किसी, ये जो सेकेंड ल्यूमन है ये सेकेंड ल्यूमन किसी चीज को एडमिनिस्टर करने के काम नहीं आता, ना सक्शन करने के काम आता है, ये सिर्फ एक एयर वेंट है, ये सिर्फ एक एयर वेंट है। एयर वेंट का मतलब क्या, ये एक ओपनिंग है जिसके अंदर से एयर अंदर जाएगी, एयर, एयर अंदर जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं ये क्या है, एयर वेंट बोलते हैं इसे, एयर वेंट बोला जाता है इसे। एयर वेंट का दूसरा नाम क्या है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एयर वेंट को कहते हैं पिग टेल, पिग टेल, पिग टेल कहा जाता है एयर वेंट को। इस एयर वेंट का, एयर वेंट को मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं सम्स, इसलिए इस ट्यूब का स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं सालम सम्स ट्यूब, सालम सम्स ट्यूब, सम्स ट्यूब, सालम सम्स ट्यूब क्यों बोला इसको, तो सम्स का मतलब होता है एयर वेंट, और एयर वेंट का काम क्या है, तो एयर अंदर जाती है इससे। आप बोलोगे क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि इसके अंदर दो ल्यूमन है, एक ल्यूमन से तो हमने फीडिंग वगैरह करा दी, और एक ल्यूमन को हम ऐसी हवा में रख रहे हैं, इसके अंदर से एयर अंदर जा रही है। जब आप इस वाले ल्यूमन से सक्शनिंग कर रहे हो, इरिगेशन कर रहे हो, तो बहुत तेजी से चीजें बाहर निकल रही हैं,
तो हमारी इंटेस्टाइन, हमारी जो स्टमक म्यूकोसा है वो डैमेज हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो प्रेशर को रिलीफ करने के लिए यहां से एयर अंदर जाएगी। तो आप बोलेंगे कि इस वाले एयर वेंट से क्या इसका फायदा क्या है, तो इसके अंदर से एयर अंदर जाती है। और एयर वेंट का क्यों हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, तो पहले हम जो कर रहे थे उसमें क्या दिक्कत थी, तो एयर वेंट प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट जीआई म्यूकोसा डैमेज होने से ड्यूरिंग इरिगेशन के टाइम पर जीआई म्यूकोसा, स्टमक म्यूकोसा डैमेज ना हो, इसका इसके अंदर मदद करता है एयर वेंट क्या करता है, एयर इसके अंदर अंदर जाती है, एयर वेंट को कहते हैं पिग टेल। तो आपसे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी ये सालम सम्स ट्यूब आप लगा रहे हैं, जब भी आप सालम सम्स ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, आपके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, नर्सिंग कंसेंट्रेशन ये बनती है कि सालम सम्स ट्यूब का इस्तेमाल करने का पर्पस क्या है। तो पर्पस ये था कि हम स्टमक म्यूकोसा को इंजरी से प्रिवेंट कर पाए। स्टमक म्यूकोसा इंजरी से प्रिवेंट कब करेंगे, तब इसके अंदर से एयर अंदर जाएगी। तो एयर अंदर जाएगी कैसे, तब अगर आप इसे बंद कर दोगे तो इसको कभी भी बंद नहीं करना है। तो आप बोलोगे नर्सिंग कंसेंट्रेशन में स्पेशल बात क्या है, तो बोलेंगे कि नेवर क्लैंप द एयर वेंट को कभी भी क्लैंप नहीं करना है, एयर वेंट को कभी भी बंद नहीं करना है। बंद कर देंगे तो एयर अंदर नहीं जाएगी तो इफेक्टिवनेस नहीं है, फिर तो हम सिंगल ल्यूमेन से काम कर लेते। एक और कंसेंट्रेशन जो आपको याद रखना है कि एयर वेंट जो है हमेशा स्टमक के लेवल से ऊपर रहना चाहिए, अगर स्टमक के लेवल से नीचे होगा तो इसके अंदर से स्टमक कंटेंट बाहर आने लगेंगे। तो आप बोलेंगे कि एयर वेंट शुड अबव द लेवल ऑफ स्टमक के लेवल से हमेशा ऊपर होना चाहिए। स्टमक के लेवल से अगर ये ऊपर नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि इससे क्या हो जाएगा, तो इससे इसके अंदर से स्टमक कंटेंट बाहर आने लगेंगे, इसलिए हमेशा इसको स्टमक के लेवल से ऊपर रखना है, स्टमक के कंटेंट से ऊपर रखना है और क्लैंप नहीं करना है। सालम स्टम्स ट्यूब जो कि डबल ल्यूमन ट्यूब है, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब है, जिसके अंदर पिग टेल पाया जाता है, इसको कभी क्लैंप नहीं करते, इसको चेस्ट से लेवल से स्टमक लेवल से ऊपर रखते हैं। एक ल्यूमन से फीडिंग और सक्शनिंग का काम आता है, दूसरे लेवल से एयर वेंट का एयर अंदर जाती है, एटमोस्फेरिक एयर अंदर जाती है, स्टमक एयर से कॉन्टेक्ट करती है। नेक्स्ट ट्यूब की हम बात करते हैं, तो ये भी डबल ल्यूमन ट्यूब है और नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब की बात कर रहे हैं, तो इसमें नेजल इंटेस्टाइनल ट्यूब के अंदर भी एक ही ट्यूब पाई जाती है जो कि डबल ल्यूमन होती है, जिसका नाम होता है मिलर अबॉट ट्यूब। में अलग बात क्या है, तो मिलर अबॉट ट्यूब भी और ट्यूब्स के सिंपल ट्यूब है, पर इसके अंदर भी दो ल्यूमन होते हैं, एक ल्यूमन जो इस तरीके से आ रहा है, और इंटेस्टाइनल ट्यूब है तो आप देख रहे होंगे इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, इंटेस्टाइनल ट्यूब है तो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, और ये मिलर अबॉट ट्यूब। दूसरा जो इसके अंदर ल्यूमन है वो आप देखें, ये वाला जो पीछे है दूसरा ल्यूमन है, यहां पर इसका दूसरा ल्यूमन है, और दूसरा ल्यूमन भी पूरी तरीके से अंदर की तरफ आएगा, और दूसरे ल्यूमन में आपसे क्या काम है, तो आप बोलेंगे कि इसके डिस्टल एंड पर एक बलून प्रेजेंट होता है, और ये दूसरे वाले ल्यूमन का काम क्या है, तो ये बलून को इन्फ्लेट करता है। दो ल्यूमन है, नाम रखते हैं दोनों का, एक ल्यूमन तो ये वाला है फर्स्ट पोर्ट, और ये वाला ल्यूमन है सेकंड पोर्ट। आप देखेंगे कि सेकंड वाला जो पोर्ट है ये किसके काम आता है, तो ये बलून को इन्फ्लेट करने के लिए काम आता है। पर कैंटोर ट्यूब आपने पीछे देखी थी वो भी सेम ऐसी थी, इसमें फर्क क्या है, तो आप बोलेंगे कि कैंटोर ट्यूब के डिस्टल एंड पे लगा हुआ था, पर इसके आगे ट्यूब भी होती है, यहां पर ट्यूब भी है, और इस ट्यूब एंडिंग में होल्स भी है, तो आप बोलेंगे कि सक्शनिंग कर सकती है, फीड दे सकते हैं हम इससे। कैंटोर ट्यूब फीड देने के काम नहीं आती है, वो सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीफ करने के काम आती है।
वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए काम आती है, पर आप इसको फिक्स कर सकते हैं बलून इन्फ्लेट करके, और इसकी एंडिंग में एक होल भी है जिससे आप फीड भी दे सकते हैं। इस ट्यूब का नाम है मिलर अबॉट ट्यूब, और ये भी एक तरीके की नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब होती है। हमने देखी सिंगल ल्यूमन ट्यूब, हमने देखी डबल ल्यूमन ट्यूब, और ये नेजो इंटेस्टाइनल नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब में सिर्फ इतनी ही ट्यूब होती है। अब हम बात करते हैं स्पेशल ट्यूब्स की, स्पेशल ट्यूब जैसे कि ईसोफेजियल ट्यूब्स। ईसोफेजियल ट्यूब समझने के लिए हम इसको डायग्राम से नहीं समझ रहे, हम इसको बनाकर समझेंगे, ज्यादा बेहतर समझ में आएगी आपको। मैं आपको सामने से बना के दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ईसोफेजियल ट्यूब्स जानने का इंडिकेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे ईसोफेगस में कोई रप्चर हो गया है, ईसोफेगस में वेरिसेस हो गया है, तब करेंगे ईसोफेजियल वेरिसेस, इसका मेन इंडिकेशन है। ईसोफेजियल वेरिसेस क्या होता है, तो आप बोलेंगे ईसोफेगस वेरिसेस ऐसी कंडीशन है जिसमें ईसोफेगस की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, इसके कारण से उनके अंदर से फ्लूड, जिनके उसके कारण से ब्लड लीक होने लगता है। तो वही सेम कंडीशन में आपके सामने इधर बना देता हूं, ये हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस की ब्लड वेसल्स, और यहां से ब्लड लीक हो रहा है, और यहां से ब्लड लीक हो रहा है, ब्लड लीक होकर कहां आ रहा है, तो स्टमक के अंदर आ रहा है। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सेम हम तीन ट्यूब पढ़ेंगे, तो तीनों में मैं आपको सामने ऐसे बना देता हूं, इसमें भी ब्लड लीक हो रहा है और इसमें भी ब्लड लीक हो रहा है। तीनों ही कंडीशन कैसी कंडीशन है, तो आप बोलेंगे ईसोफेजियल वेरिसेस की कंडीशन। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम ईसोफेजियल ट्यूब्स डालते हैं, ट्यूब डाल के देखते हैं। पहली ट्यूब किस तरीके की होती है, तो नेजल रूट से होते हुए और ईसोफेगस में डाली जाती है, और कार्डिक स्पिंजर से इस साइड लाके से फिक्स करना होता है। तो आप बोलेंगे इसके अंदर क्या है, तो इसके सबसे पहले तो इसके अंदर जो मेन काम है वो होता है, तो ईसोफेगस की ब्लीडिंग रोकने के लिए, ईसोफेजियल की ब्लीडिंग रोकने के लिए यहां पर एक बलून लगा होता है, इन्फ्लेटेबल बलून। और ये कहां है, तो गैस्ट्रिक रीजन में। इसको क्या बोलोगे, तो ये क्या है, तो आप बोलोगे ये गैस्ट्रिक बलून है, गैस्ट्रिक बलून है। एक और ओपनिंग होती है जो मेन रीजन है, ये सारी जो ब्लीडिंग हो रही है इसको बाहर निकालने के लिए, तो बाहर निकालने के लिए यहां पर कुछ पोर्ट बने होते हैं, तो ये पोर्ट बने हुए, इसको बोलोगे ये किस लिए बने हैं, तो बोलेंगे ईसोफेजियल सक्शनिंग के लिए। अमूमन ये दो ही इसमें ल्यूमन होते हैं, पर अब इसमें तीन ल्यूमन आने लग गए हैं, तो आप बोलोगे कि ये जो ट्यूब जो मैं बना रहा हूं ये डबल ल्यूमन में भी पाई जाती है और ट्रिपल ल्यूमन में भी पाई जाती है। ट्रिपल ल्यूमन में आप देखेंगे क्या होता है, तो ट्रिपल ल्यूमन में एक और जगह पर इसमें पोर्ट होता है, वो होता है यहां। तो आप बोलेंगे इस पोर्ट का क्या काम है, तो आपने यहां से रास्ता ब्लॉक कर दिया, आप फीडिंग कैसे देंगे, सक्शन कैसे करेंगे, तो गैस्ट्रिक सक्शन या गैस्ट्रिक फीडिंग के लिए एक और ल्यूमन इसमें लगा होता है, गैस्ट्रिक सक्शनिंग के लिए। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने ल्यूमन हो गए, आप बोलेंगे कि इसमें तीन ल्यूमन हो गए, एक ल्यूमन, दो ल्यूमन और तीन ल्यूमन। तो तीन ल्यूमन है, तो तीन इसके एंड बना देते, एक दो और ये तीन, जिसमें से हम बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट वाला मान के चलते हैं, फर्स्ट वाला, तो आप बोलते हो ये किस लिए है, तो आप बोलेंगे गैस्ट्रिक सक्शनिंग के लिए है। आप बोलेंगे ये वाला किस लिए है, तो आप बोलेंगे ये वाला गैस्ट्रिक बलून के लिए है, गैस्ट्रिक बलून के लिए है। और लास्ट वाला ये वाला बच गया, तो आप बोलेंगे ईसोफेगस में जो ब्लड बाहर आ रहा है, फ्लूड बाहर आ रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए है, तो बोलेंगे ईसोफेजियल सक्शनिंग के लिए, सक्शन के लिए। और इस तरीके की ट्यूब जिसमें एक गैस्ट्रिक बलून पाया जाता है, एक डिस्टल होल्ड पाया जाता है जो गैस्ट्रिक सक्शन के लिए है, एक ईसोफेजियल बलून सक्शनिंग के लिए होल्ड पाया जाता है, इस तरीके की ट्यूब को आप नाम देते हैं लिंटन ट्यूब। इस तरीके की ट्यूब को आप बोलते हैं लिंटन ट्यूब। इसी ट्यूब को अपडेट करके नेक्स्ट ट्यूब पर चलते हैं। सेम यही कंडीशन ईसोफेजियल वेरिसेस, इसमें हमने एक ट्यूब डाल दी और इस ट्यूब को फिक्स करने के लिए हम कार्डिक स्पिंजर की साइड ले आए, वही सेम चीज ईसोफेजियल वेरिसेस हो रहा है। इसमें ट्रीट करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, यहां पर उन्होंने क्या किया था कि ये जो ब्लड है, फ्लूड है, गैस्ट्रिक रीजन में जाके इसको सक्शन के थ्रू बाहर निकालना है, पर इधर इन्होंने ब्लीडिंग ही रोकने के लिए एक ईसोफेजियल बलून लगा दिया,
ईसोफेजियल बलून इन्होंने लगा दिया। इस ईसोफेजियल बलून का काम क्या है? तो ईसोफेजियल बलून ईसोफेगस की वॉल पर प्रेशर रखता है, काफी ज्यादा अंदर से प्रेशर देता है। देखिए मैं आपके सामने बनाकर दिखाता हूं, ईसोफेजियल बलून क्या करता है, ईसोफेगस की वॉल पर प्रेशर देता है, और इस प्रेशर के कारण से जो ब्लीडिंग हो रही थी, जो ब्लड वेसल डायलेट हो गई थी, वो ब्लड वेसल्स बंद हो जाती हैं और वहां से ब्लीडिंग होना रुक जाती है, फ्लूड जो उनके अंदर से लीक हो रहा था वो फ्लूड आना बाहर बंद हो जाता है। किस चीज से हुआ है? तो आप बोलेंगे ईसोफेगस बलून की वजह से हुआ है। ईसोफेगस बलून, ईसोफेजियल बलून से हुआ है, ईसोफेजियल बलून से हुआ है। अच्छा, ये जो हमने एक बलून लगा दिया है कार्डियक स्पिंसर की उस तरफ है, अगर इसको खींचेंगे तो निकल जाएगा ये। इसको फिक्स करने के लिए एक और बलून लगाना पड़ता है, जो कि लगा होता है स्टमक के अंदर। स्टमक को बोलते हैं गैस्ट्रिक, तो इसका नाम देंगे हम गैस्ट्रिक बलून, गैस्ट्रिक बलून, गैस्ट्रिक बलून, इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक बलून। और लास्ट में सक्शन करने के लिए गैस्ट्रिक रीजन के, तो आप बोलोगे ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये गैस्ट्रिक सक्शनिंग होल है, गैस्ट्रिक सक्शनिंग के लिए होल्स है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर तीन ल्यूमन हो गए। सबसे पहला आप बोलोगे कि गैस्ट्रिक सक्शन के लिए होल, तो एक ल्यूमन बना दिया। बोलेंगे गैस्ट्रिक बलून के लिए होल, तो बोलेंगे दूसरा ल्यूमन आ गया। तीसरा वाला ईसोफेजियल बलून के लिए, तो आप बोलेंगे कि ये जो बलून्स हैं इनको इन्फ्लेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इनको इन्फ्लेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एयर का। तो हमने देखा कि ईसोफेजियल बलून के अंदर हमने एयर एडमिट कर दी और गैस्ट्रिक बलून के अंदर एयर एडमिट कर दी। ये एयर बाहर ना आ जाए इसलिए इसके डिस्टल एंड पर क्या मिलता है? तो आप बोलेंगे कि यहां पर एक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, और ये जो वॉल्व हैं ये वन वे वॉल्व होते हैं, वन वे वॉल्व, वन वे वॉल्व, वन वे वॉल्व। क्यों? कि एयर सिर्फ अंदर आए बाहर ना जाए। बाहर निकालने के लिए आपको सिरिंज को अच्छे से अंदर से एडमिनिस्टर करके अच्छे से निकालनी पड़ेगी, तब निकलेगी, इजीली बाहर नहीं आती है। और ये लास्ट वाला जो ल्यूमन है, तो ये वाला सक्शनिंग के लिए है, फीडिंग देने के लिए है गैस्ट्रिक रीजन में। ये वाली जो ट्यूब है इसको बोलते हैं सैंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब, सैंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब, इस ट्यूब का नाम है सैंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब, ब्लैक मोर, ब्लैक मोर ट्यूब, इस ट्यूब का नाम है सैंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब। हमने अभी तक दो ट्यूब पढ़ ली ईसोफेजियल ट्यूब्स के अंदर, एक पढ़ी हमने लिंटन ट्यूब, एक पढ़ी सैंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब। लिंटन ट्यूब के अंदर ईसोफेजियल बलून नहीं था, पर सैंगस्टेकन के अंदर ईसोफेजियल बलून भी है, इसलिए इसके अंदर तीन ल्यूमन है। इसके अंदर तीन ल्यूमन क्यों थे? तो इसके अंदर एक गैस्ट्रिक सेक्शन था और एक ईसोफेजियल सेक्शन था और एक बलून था। इसके अंदर ईसोफेजियल सेक्शन प्रेजेंट नहीं होता। ईसोफेजियल सेक्शन प्रेजेंट ना होने के कारण से आप देखेंगे कि ईसोफेजियल सेक्शन प्रेजेंट ना होने के कारण से, जैसे हमने पीछे बात करी थी, ईसोफेगस के जीआईटी का हिस्सा है और ईसोफेगस के लाइनिंग, ईसोफेगस में लाइनिंग होती है म्यूकोजल लाइनिंग, म्यूकोजल लाइनिंग से म्यूकस का सीक्रेशन हो रहा है, और ये म्यूकस सीक्रेट होकर कहां जा सकता है? तो आप बोलेंगे कि ट्रेकिया में जा सकता है और एस्पायरेशन का रिस्क हो सकता है। ये कहां जा सकता है? तो आप बोलेंगे कि ट्रेकिया में जा सकता है, ट्रेकिया में, ट्रेकिया में जा सकता है, और पेशेंट को एस्पायरेशन हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकता है। तो सैंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब के अंदर ये दिक्कत थी, सैंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब के अंदर दिक्कत थी, इसलिए सैंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब को अपडेट करा गया। अपडेट करने के लिए अब नेक्स्ट ट्यूब की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूब जिसके अंदर मैं आपके सामने बनाता हूं, वही सेम ट्यूब, एक ट्यूब हमने डाल दी। दिक्कत क्या है? तो ईसोफेजियल वेरिसेस है, और इस ट्यूब को, दिक्कत को खत्म करने के लिए सैंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब का अपडेटेड वर्जन बना रहे हैं। तो इसके अंदर एक तो होगा सबसे पहले ईसोफेजियल बलून, ईसोफेजियल बलून, जिस ईसोफेजियल बलून के कारण से ईसोफेगल की वॉल पे प्रेशर लगेगा और ईसोफेजियल की जितनी वेसल्स डायलेट हो गई हैं वो बंद हो जाएंगी, उनके अंदर से फ्लूड लीक नहीं होगा, उनके अंदर से ब्लड लीक नहीं होगा, ईसोफेजियल बलून। इस ईसोफेजियल ट्यूब को फिक्स करने के लिए हमने यहां पर एक गैस्ट्रिक बलून भी लगाया हुआ है, और गैस्ट्रिक बलून के साथ साथ गैस्ट्रिक रीजन से सक्शन करने के लिए, फीड प्रोवाइड करने के लिए ओपनिंग से बोलते हैं गैस्ट्रिक सक्शनिंग ओपनिंग। और जो प्रॉब्लम सैंगस्टेकन ब्लैक मोर ट्यूब में थी,
जो जो कि एस्पायरेशन का रिस्क हो जाता था, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर स्पेशली ईसोफेजियल सक्शनिंग के लिए भी एक ल्यूमन लगाया होता है। यहां से ईसोफेजियल सक्शनिंग हो जाएगी। तो आप देखते हैं, नाम रखते हैं, इसके अंदर चार टोटल ल्यूमन हो गए। पहला ल्यूमन, तो आप बोलेंगे ये किस लिए है, तो आप बोलेंगे गैस्ट्रिक सक्शनिंग के लिए है, गैस्ट्रिक सक्शनिंग के लिए है। दूसरा ल्यूमन आप बोलेंगे गैस्ट्रिक बलून के लिए है, गैस्ट्रिक बलून के लिए। तीसरा ल्यूमन आप बोलेंगे ईसोफेजियल, ईसोफेजियल बलून के लिए है। और लास्ट ये वाला ईसोफेजियल सक्शनिंग के लिए, ईसोफेजियल सक्शनिंग के लिए है। सैंगस्टीकन ब्लैक मोर ट्यूब की जो डिसएडवांटेज था वो यही था कि ट्रेकिया में म्यूकस जा सकता है और एस्पायरेशन का रिस्क हो सकता है, निमोनिया कॉज हो सकता है, एस्पायरेशन निमोनिया हो सकता है उसको। ये जो ट्यूब थी अपडेट होकर आई, इसलिए इसका नाम हमने रखा कि इस ट्यूब का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे इस ट्यूब को बोलते हैं मॉडिफाइड सैंगस्टीकन ब्लैक मोर ट्यूब। इस ट्यूब का नाम क्या रखा, तो इसको बोलेंगे मॉडिफाइड सैंगस्टीकन, सैंगस्टीकन ब्लैक मोर ट्यूब, ब्लैक मोर ट्यूब। और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है, और इसका दूसरा नाम काफी फेमस है, आप लोगों को याद करना है, इसका नाम है मिनेसोटा, मिनेसोटा। मॉडिफाइड सैंगस्टीकन ब्लैक मोर ट्यूब का नाम क्या है, तो मिनेसोटा नाम है। इसके अंदर कितने ल्यूमन होते हैं, तो जैसे हमने बनाया सेम उनके नाम लिख देते हैं, इसके अंदर कितने ल्यूमन होते हैं, तो इसके अंदर आपको चार ल्यूमन देखने को मिले। पहला ल्यूमन जो कि गैस्ट्रिक सक्शन के लिए है, ये बना दिया मैंने। दूसरा ल्यूमन गैस्ट्रिक बलून के लिए है। तीसरा ल्यूमन ईसोफेजियल बलून के लिए है। चौथा ल्यूमन गैस्ट्रिक ईसोफेजियल सक्शन के लिए है। अब आप देखेंगे दो ल्यूमन है जो कि इन्फ्लेट करने के लिए है बलून को, जो कि हमने ऊपर वाले बनाए थे। एक तो हमने बनाया था कि ये ईसोफेजियल बलून के लिए है, और एक बनाया गैस्ट्रिक बलून के लिए है। तो इन दोनों ल्यूमन के आगे क्या लगा होगा, तो यहां पर वन वे वॉल्व लगा होगा, ताकि ये जो एयर है ये बाहर ना निकल जाए। क्या ये, तो आप बोलेंगे वन वे वॉल्व, वन वे वॉल्व लगे हुए हैं, वन वे वॉल्व लगा हुआ है, इसके कारण से एयर बाहर नहीं आती। इन ट्यूब्स को बोलते हैं आप ईसोफेजियल ट्यूब्स। तीन तरीके की ट्यूब होती है, एक होती है लिंटन, एक होती है सैंगस्टीकन ब्लैक मोर ट्यूब, एक होती है मॉडिफाइड सैंगस्टीकन ब्लैक मोर ट्यूब। लिंटन के अंदर आप देखेंगे तीन ल्यूमन थे, इसके अंदर भी तीन ल्यूमन थे, इसके अंदर चार ल्यूमन हो गए। तो आप बोलेंगे लिंटन ट्यूब किस तरीके की ट्यूब है, तो ये या तो टू ल्यूमन ट्यूब आती है, या तो टू ल्यूमन आती है, या फिर थ्री ल्यूमन ट्यूब होती है, थ्री ल्यूमन ट्यूब होती है। सैंगस्टीकन ब्लैक मोर ट्यूब थ्री ल्यूमन ट्यूब होती है, थ्री ल्यूमन ट्यूब, थ्री ल्यूमन ट्यूब होती है। तीन ल्यूमन है, एक तो गैस्ट्रिक सेक्शन का बलून का, ईसोफेजियल बलून का। हमारी मिनेसोटा मॉडिफाइड सैंगस्टीकन ट्यूब ये स्पेशल है, इसके अंदर फोर ल्यूमन होते हैं, फोर ल्यूमन ट्यूब है, फोर ल्यूमन ट्यूब है, फोर ल्यूमन ट्यूब होती है। यहां पर समझ में आता है ईसोफेजियल वेरिस इसको ट्रीट करने के लिए हम इन ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं, पर इनका एक कॉम्प्लिकेशन भी है। अब आप ये समझिए, हमारे पास कंडीशन थी ईसोफेजियल वेरिस, ईसोफेजियल वेरिस के लिए जो अभी अभी न्यूएस्ट टाइम में जो इस्तेमाल होती है उस ट्यूब को बोलते हैं हम कि मिनेसोटा का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है कि ईसोफेगस की वॉल पर प्रेशर लगता है, और प्रेशर के कारण से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो ब्लीडिंग रुक जाती है, जो वेसल्स डायरेक्ट हो गई थी उनसे फ्लूड लीक होना रुक जाता है। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, गड़बड़ क्या है, तो आप बोलोगे कि ईसोफेगस की जो वॉल थी वो ऑलरेडी वीक थी, और वीक होने के कारण से अंदर से बलून का प्रेशर लग रहा है, और इस प्रेशर से क्या होगा, तो ये वॉल रप्चर हो सकती है, ये वॉल जो है ये रप्चर हो सकती है, ये वॉल ऐसे करके रप्चर हो सकती है, ये वॉल ऐसे करके रप्चर हो सकती है। अब अगर ये वॉल ऐसे करके रप्चर हो जाएगी, तो आप बोलोगे इसके अंदर से सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, यहां से सीवियर ब्लीडिंग होने लगेगी, बोलोगे क्या हो गया, तो ये ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। और इसको बोलेंगे क्या कि ईसोफेजियल की वॉल रप्चर हो गई, इस कंडीशन को बोला जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है ईसोफेजियल वेरिसिस, ईसोफेजियल वेरिस, ईसोफेजियल रप्चर, इस कंडीशन को बोलते हैं ईसोफेजियल रप्चर, रप्चर, ईसोफेजियल रप्चर।
और ये कंडीशन क्या है, तो आप बोलेंगे कि हम ईसोफेजियल ट्रीट करने के लिए जो ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं उन ट्यूब का कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, ईसोफेगस रप्चर हो सकता है, और रप्चर हो जाएगा तो ब्लीडिंग होने लगेगी, और ये ब्लीडिंग इंटरनल हो रही है, थोरेसिक रीजन में हो रही है। सडनली पेशेंट को हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, शॉक वाले साइन आने लगेंगे, तो जब भी आप बोलेंगे कि सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब डली हुई है किसी के, मॉडिफाइड सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब डली है, तो उसको आपको मॉनिटर करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या जाएंगे, तो आप बोलेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन क्या जाएंगे तो आप बोलेंगे क्लोजली मॉनिटर करना है, क्लोजली मॉनिटर वाइटल साइन को क्लोजली मॉनिटर करना है। क्यों? क्योंकि उसको शॉक के साइन हो सकते हैं, शॉक के साइन हो सकते हैं, जो कि होते हैं टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन। ये आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये किसमें देखने को मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि मॉडिफाइड सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब या फिर सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, मतलब ईसोफेजियल ट्यूब्स के अंदर देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप बोलते हैं कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में स्टार लाइन, फाइव स्टार क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे, तो आप रिमूव करेंगे ट्यूब को, रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस ट्यूब में से पहले तो ये वॉल्व में से एयर निकालनी पड़ेगी, इस वाले वॉल्व में से एयर निकालनी पड़ेगी, मतलब ईसोफेजियल बलून को डिफ्लेट करना पड़ेगा, गैस्ट्रिक बलून को डिफ्लेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, और टाइम लगेगा तो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट लीड्स टू डेथ, कोमा में जा सकता है वो, तो आप बोलेंगे इसलिए हमारे पास जो मेन लाइन बनती है वो बनती है कि हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और इसमें आप फाइव स्टार बना के लिखे हैं इसको कि हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीजर को हमें बेडसाइड रखना है, कीप द सीजर एट बेडसाइड, सीजर एट बेडसाइड, बेडसाइड। जैसे आपको मालूम पड़ता है कि शॉक के साइन आ गए, ईसोफेजियल वेरिसिस की जगह ईसोफेजियल रप्चर हो गया है, तो आप क्या करो, इसको एक एक करके वॉल्व में से एयर निकालोगे तो टाइम लग जाएगा, इसको सीजर से काट दो, काटने के बाद इसको जैसे आप काटोगे डिफ्लेट हो जाएगी, एयर बाहर आ जाएगी, और इसको निकाल दो, रिमूव कर देंगे ट्यूब को, और यहां पर आपका खत्म होता है ईसोफेजियल ट्यूब्स। हमने तीन ट्यूब्स पढ़ ली, एक पढ़ी हमने ईसोफेजियल ट्यूब्स, एक पढ़ी पीछे नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब्स, एक पढ़ी नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब्स। नेजो गैस्ट्रिक और नेजो इंटेस्टाइनल डबल और सिंगल ल्यूमन होती है, और नेजो ईसोफेजियल ट्यूब्स अपनी टू और थ्री ल्यूमन की आती है, फोर ल्यूमन की आती है, फोर ल्यूमन ट्यूब स्पेशल इसके अंदर आती है, इसका नाम है मिनेसोटा मॉडिफाइड सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट ये सारी जो ट्यूब्स हैं उनकी साइज कैसे रहते हैं, साइज क्या रहते हैं, तो साइज को याद करने के लिए आपको एक निमोनिक याद करना है, जिसका नाम है LBW गोरी वेरी बैड। L से लाइट ग्रीन, जो सबसे छोटा साइज होता है, जिसको बोलते हैं 6 नंबर का। B से ब्लू, जो कि 8 नंबर का होता है। B से ब्लैक, जो कि 10 नंबर का होता है। व्हाइट 12 नंबर का होता है। ग्रीन 14 नंबर का होता है। ऑरेंज 16 नंबर का होता है। रेड से 18 नंबर का होता है। येल्लो 20 नंबर का होता है। वॉयलेट 22 नंबर का होता है। ब्लू से 24 नंबर का होता है। निमोनिक याद करने के लिए LBW गोरी वेरी बैड याद रखने के लिए आप कर सकते हैं, और इसको याद रखें कि जितने भी ये साइज हम यहां मेंशन है वो सभी के सभी फ्रेंच के अंदर मेंशन है, फ्रेंच साइज है। तो एग्जामिनर आपको ट्रिक कर सकता है, वो बोलेगा कि कौन सी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बोलोगे कि इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो सकता है एमएम में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि एमएम से फ्रेंच में चेंज करते हैं, तो आप बोलेंगे कि एक फ्रेंच, वन फ्रेंच इज इक्वल्स टू 0.33 mm। अमूमन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है एमएम में पूछेगा, और आपको याद है फ्रेंच के अंदर, तो आप एमएम से फ्रेंच चेंज कर सकते हो, फ्रेंच से एमएम चेंज कर सकते हो। अच्छा, कौन सी वाली किस में इस्तेमाल करी जाती है, तो आप बोलेंगे कि 6 नंबर की प्री टर्म बेबी में इस्तेमाल करी जाती है, प्री टर्म के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये एट टर्म वाले बच्चे के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बोलेंगे 12 और ये 14, ये इन्फेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इन्फेंट के अंदर। आप बोलेंगे कि ये 14 वाली चिल्ड्रंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, चिल्ड्रंस में। 16 और 18 अडल्ट के अंदर इस्तेमाल करी जाती है, अडल्ट में से भी 16 नंबर की जो है, 16 नंबर वाली 16 नंबर की ये फीमेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, फीमेल्स में।
और 18 नंबर वाली मेल्स के अंदर इस्तेमाल करी जाती है, मेल्स के अंदर। बाकी 20, 22 और 24 नंबर की आप बोलेंगे ये जो है ये एबनॉर्मल ट्यूब्स है। एबनॉर्मल ट्यूब्स का क्या मतलब है? मतलब लावास करने के लिए, गावास करने के लिए इन ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं एबनॉर्मल साइज में, एबनॉर्मल साइज में। तो आपसे बोला जाएगा मोस्ट कॉमन साइज ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इन अडल्ट, तो आप बोलेंगे कितना होता है, 16 to 18 फ्रेंच होता है, 16 to 18 फ्रेंच होता है, बोलेंगे कितना होता है। और बोलेगा मेल अडल्ट के लिए कितना है, तो रेड कलर का 18 नंबर का मेल अडल्ट के लिए काम में लिया जाता है। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि आप ये बताएं मेल अडल्ट के अंदर एमएम में साइज कितना होता है, तो आप चेंज कर लेंगे 18 फ्रेंच को चेंज करेंगे 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वो समथिंग समथिंग आएगा आपका 5.9 mm के लिए। तो ये होते हैं इसके साइज मेजरमेंट। आपने देखी पीछे एनजी ट्यूब्स, एनजी ट्यूब के आपने देख लिया इनका साइज, साइज के साथ देख लिया कलर कोडिंग क्या है। अच्छा, जब आप एनजी ट्यूब का इस्तेमाल करोगे तो आपको एनजी ट्यूब इंसर्ट करने से पहले इसको मेजर करना पड़ेगा, जैसे हमने बताई थी मार्किंग्स का इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए। तो मार्किंग्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको मेजर कैसे करते हैं, तो आप इसके लिए मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे इसके लिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नाम होता है नेक्स फॉर्मूला, फॉर्मूले का नाम है नेक्स फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, एन से टिप ऑफ द नोज से लेकर ईयर लोब तक मेजर करेंगे, फिर ज़िफर्ड प्रोसेस। टिप ऑफ द नोज पर आप रखेंगे, टिप ऑफ द नोज से अपना ईयर लोब तक ले जाएंगे, ईयर लोब से ज़िफर्ड प्रोसेस तक ले जाएंगे, और ये आपकी मेजरमेंट होती है। जितनी मेजरमेंट होगी वहां मार्क कर लेंगे कितने कहां पर आपका जो साइज आ रहा है, वो मार्किंग लगे से होते हैं वहां पर आप कर सकते हैं। एक्यूरेट पूछे आपसे कि एकदम सही साइज बताओ कि टिप ऑफ द नोज से ईयर लोब से ज़िफर्ड प्रोसेस, तो आप बोलोगे एक्यूरेट ये नहीं है, ज़िफर्ड प्रोसेस से भी 1 to 2 inch नीचे, मतलब अम्लाइकस और ज़िफर्ड प्रोसेस के मिड में। आप बोलेंगे एक्यूरेट क्या है, तो टिप ऑफ द नोज से ईयर लोब, ईयर लोब से 1 to 2 inch बिलो द लेवल ऑफ ज़िफर्ड प्रोसेस, 1 or 2 inch बिलो द लेवल ऑफ ज़िफर्ड प्रोसेस। टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब, ईयर लोब से 1 or 2 inch बिलो द ज़िफर्ड प्रोसेस। अब आपने देख लिया है कि इसको कैसे मेजर करना है, मेजर करने के बाद लास्ट हमारे पास आता है कि अब प्रोसीजर कि कैसे इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसको इंसर्ट कैसे करते हैं। तो प्रोसीजर की आपके लिए हेडिंग लिखी है, सबसे पहले प्रोसीजर देखने के लिए आपको सबसे पहले उसे पोजीशन देनी पड़ेगी। पोजीशन के लिए कौन सी पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे, तो आप बोलेंगे कि पोजीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाई फाउलर पोजीशन विद, आप बोल सकते हो कि हेड को लीन फॉरवर्ड करना है, हेड लीन फॉरवर्ड करना है, लीन फॉरवर्ड करना है। अच्छा, क्या मतलब है इस चीज का, तो आप बोलेंगे कि जब भी आप एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हो तो पेशेंट को बिठा लेते हैं, सिटिंग पोजीशन रखते हैं और हेड को आगे की तरफ लीन, हेड को आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड कर देते हैं। जब हम लीन फॉरवर्ड करते हैं तो इसका फायदा क्या है, तो आप बोलोगे कि इसका फायदा यह है कि इससे ट्रैकिया जो है क्लोज हो जाता है। लीन फॉरवर्ड करने का कारण क्या है, तो बोलेंगे लीन फॉरवर्ड से फायदा क्या है, तो ट्रैकिया जो है क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है क्लोज हो जाता है, ट्रैकिया क्लोज हो जाता है, जो हम ट्यूब डाल रहे हैं तो वो ईसोफेगस में ही जाएगी, इसलिए हम लीन फॉरवर्ड दे रहे हैं उसको। नेक्स्ट आप साइट सिलेक्शन करेंगे, साइट सिलेक्शन करेंगे, साइट को सिलेक्ट करेंगे कौन सी साइट पे हमको नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है, लेफ्ट पे डालनी है, राइट पे डालनी है। तो हम मैं बता रहा हूं कि आपको मोस्ट कॉमनली जिसका इस्तेमाल करते हैं वो होती है लेफ्ट नोस्ट्रल, लेफ्ट नोस्ट्रल का इस्तेमाल करा जाता है, लेफ्ट नोस्ट्रल का इस्तेमाल किया जाता है, लेफ्ट नोस्ट्रल का इस्तेमाल किया जाता है। लेफ्ट नोस्ट्रल का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बोलेंगे कि राइट वाले को अवॉइड करते हैं, राइट नोस्ट्रल को अवॉइड करा जाता है, राइट अवॉइड राइट नोस्ट्रल, अवॉइड राइट नोस्ट्रल, वाई क्यों, तो आप बोलेंगे कि राइट नोस्ट्रिल में प्रेजेंट होता है प्रेजेंसी ऑफ प्रेजेंट प्रेजेंस नेजल सेप्टम डेविएशन, नेजल सेप्टम डेविएशन, नेजल सेप्टम डेविएशन प्रेजेंट होता है। और अगर आपने राइट नोस्ट्रिल का इस्तेमाल किया और उसको सेप्टम डेविएशन है तो आप बोलेंगे कि आप सेप्टम को नेजल म्यूकोसा को डैमेज कर सकते हो और क्या हो सकता है, तो वहां से ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ नेजल ब्लीडिंग, एपेक्स सेक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए आप लेफ्ट नोस्ट्रिल का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट
उसके आपकी जो ट्यूब है उसके ऊपर ज़ाइलोकैन जेली को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे ज़ाइलोकैन जेली। ज़ाइलोकैन जेली का काम क्या है? तो आप बोलोगे कि ज़ाइलोकैन जेली का काम है, ज़ाइलोकैन जेली एक तो ट्यूब को लुब्रिकेट करती है, दूसरा इसका एक और इंपॉर्टेंट काम है कि एनेस्थेटिक इफेक्ट को पैदा करती है। एनेस्थेटिक होती है, तो जब आप ट्यूब डालोगे तो पेशेंट को इतनी इरिटेशन नहीं होगी। 2% ज़ाइलोकैन जेली का इस्तेमाल करेंगे। कितना करेंगे? तो आप बोलोगे कि हम जो एनजी ट्यूब कर रहे हैं उसके एनजी ट्यूब के 4 to 6 inch को लुब्रिकेट कर लेंगे स्टार्टिंग। नेक्स्ट नॉस्ट्रिल को क्लीन करेंगे। नॉस्ट्रिल को क्लीन करने के लिए आप सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को नॉस्ट्रिल को क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद हम इंसर्ट करेंगे ट्यूब को, और ट्यूब को जब इंसर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि आप डायरेक्शन क्या होगी आपकी ट्यूब की। तो जैसे कि आपने पीछे देखा, मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, टिप ऑफ द नोज से लेकर ईयर लोब तक नापते हैं, ईयर लोब से ज़िफर प्रोसेस, मतलब टिप ऑफ द नोज से पीछे लेके जा रहे हैं, यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो क्या है यहां पर, तो बोलोगे ओरोफेरिंग्स है, तो यहां से पीछे लेके जानी है ट्यूब। तो आप बोलोगे ट्यूब को पहले कैसे इंसर्ट करते हैं, तो बैकवर्ड इंसर्ट करते हैं, पीछे की तरफ जानी चाहिए। और जैसे ही वो आपको रेसिस्टेंस फील होता है, पेशेंट कफ करता है, मतलब वो ओरोफेरिंग्स तक पहुंच गई है, अब आपको ट्यूब को नीचे डालना है, तो आप बोलोगे बैकवर्ड डालते हैं और डाउनवर्ड डालते हैं, बैकवर्ड जाती है और डाउनवर्ड जाती है, तो आप बोलोगे बैकवर्ड मोशन और डाउनवर्ड डायरेक्शन रहती है। लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ क्या है, बैकवर्ड जाते हैं डाउनवर्ड डालते हैं, उसके साथ हम इसको घुमाते रहते हैं, रोटेटिंग सर्कुलर मोशन में डालते हैं। तो आप बोलोगे इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पहले तो बैकवर्ड होती है, बोलेंगे कि बैकवर्ड डायरेक्शन होती है, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड विद रोटेशन करने के साथ साथ सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं और बैकवर्ड डालते हैं। जैसे ही पेशेंट कफ करता है तो ओरोफेरिंग से पहुंच गए, मतलब यहां पर मेंशन कर देते हैं कि पहले तो बैकवर्ड डालते हैं, बैकवर्ड के बाद हम डाउनवर्ड डालते हैं, और डाउनवर्ड डालने का कारण क्या है, तो आप बोलोगे डाउनवर्ड कब डालते हैं, तब पेशेंट ओरोफेरिंग्स तक उसकी ट्यूब पहुंच जाती है, तब हम पेशेंट में डाउनवर्ड मोशन में ट्यूब इंसर्ट करने लगते हैं। नेक्स्ट जब आप पेशेंट के अंदर ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो तो इंस्ट्रक्शंस कुछ देने होते हैं, आप ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट करते टाइम आपको पेशेंट को कुछ बताना है कि ऐसे करो कि वैसे करो, तो आप बोलोगे कि पेशेंट जैसे ही आप ओरोफेरिंग्स से ट्यूब जाती है, पेशेंट कफ करेगा तो आप बताओगे ओरोफेरिंग्स से पहुंच गई, उस टाइम पे आप उसको डाउनवर्ड इंसर्ट करते हैं, आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करोगे कि उसको ट्यूब को स्वॉलो करना है, स्वॉलो एज वॉटर लिखोगे, ट्यूब स्वॉलो एज वॉटर, इंस्ट्रक्शन दोगे कि उस ट्यूब को स्वॉलो करना है एज वॉटर, पानी की तरह उस ट्यूब को स्वॉलो करना है। जब वो पानी की तरह ट्यूब को स्वॉलो करेगा तो वो जो ट्यूब है वो ईसोफेगस में जाएगी और वो ट्रेकिया में मूव नहीं हो पाएगी। यहां आपने समझा कि प्रोसीजर क्या क्या करना है, आपने प्रोसीजर कर दिया, आपने ट्यूब को प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद अब आप बोलोगे कि हमने सही जगह डाली है कि नहीं डाली, तो आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे इसका प्लेसमेंट चेक करेंगे। प्लेसमेंट चेक करने के लिए हमारे पास बेस्ट प्लेसमेंट चेक करने का मेथड कौन सा होता है, तो मैंने यहां लिख रखे हैं कि बेस्ट प्लेसमेंट, सबसे बेस्ट मेथड होता है एक्सरे, तो बोलोगे कन्फर्मेटरी मेथड टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब होता है एक्सरे। पर इसमें एक ट्रिक है कि एक्सरे जो है ऑलवेज परफॉर्म बाय द या प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन या फिर डॉक्टर, ये सिर्फ डॉक्टर या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू प्रिस्क्राइब करा जाता है। तो आपसे बोला जाएगा बेस्ट मेथड, कन्फर्मेटरी मेथड क्या है प्लेसमेंट चेक करने का, तो आप बोलोगे कि एक्सरे है, लेकिन आपसे बोलेंगे कि एक्सरे है, नर्सिंग ऑफिसर का बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आप सेकंड वाले पे मूव करोगे क्योंकि एक्सरे जो है वो डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रिस्क्रिप्शन से होता है। तो नेक्स्ट आप बोलोगे कि हमारे लिए मतलब नर्सिंग ऑफिसर के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि बेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी, ये नर्सिंग ऑफिसर की बात हो रही है,
और सेकंड प्रायोरिटी ऑस्कल्टेशन पे जाती है, सेकंड प्रायोरिटी ऑस्कल्टेशन पे जाती है। नाम से समझ में आ रहा है, एस्पायरेशन, एस्पायरेट करके चेक करना, यहां साइड में देख लेते हैं, एस्पायरेशन करके क्या चेक करना है। जब आप एस्पायरेशन की बात कर रहे हैं कि एस्पायरेशन करना है, तो एस्पायरेशन के लिए करना है आप एक 5 ml की सिरिंज लेंगे और 5 ml की सिरिंज से 5 ml स्टमक कंटेंट को एस्पायरेट करेंगे। एस्पायरेट करने के बाद इसके अंदर से 2 ml सॉल्यूशन, 2 ml स्टमक कंटेंट को लेंगे और इसकी पीएच चेक करेंगे, पीएच चेक करेंगे। जब आप इसकी पीएच चेक करेंगे तो ये जो पीएच है ये हाईली एसिडिक होनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्टमक में एसिड होता है, HCl प्रेजेंट होता है, तो ये एसिडिक आएगी। अगर ये एसिडिक आती है तो मतलब प्लेसमेंट जो है वो सही है, सही जगह पर हुआ है। साथ में हमने 5 ml निकाला, तो बाकी 3 ml का क्या करेंगे, तो आप लोगे 3 ml जो बच गया उसको रीइंसर्ट कर देते हैं, ये जो बचा हुआ 3 ml है इसको रीइंसर्ट कर देते हैं, इसको रीइंसर्ट करेंगे, रीइंसर्ट कर देंगे, इसको रीइंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट एस्पायरेशन से आपने पता लगाया कि पीएच चेक करके पता लगाया, पीएच चेक करके देखा तो आपने एसिडिक आनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑस्कल्टेशन के लिए कैसे देखते हैं, तो ऑस्कल्टेशन से आप कैसे देखेंगे, ऑस्कल्टेशन क्या होता है, ऑस्कल्टेशन होता है साउंड को सुनना बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। तो ऑस्कल्टेशन किसकी साउंड सुनोगे, तो बाय द हेल्प ऑफ सिरिंज आप 10 ml एयर को पुश करेंगे, 10 ml एयर पुश बाय सिरिंज, सिरिंज से आप 10 ml एयर पुश करेंगे। जब आप सिरिंज से 10 ml एयर पुश करेंगे तो ऑस्कल्ट करेंगे, ऑस्कल्ट द साउंड, ऑस्कल्ट द साउंड बाय द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। कौन सी साउंड को, क्या साउंड, कौन सी साउंड, कौन सी साउंड, तो आप बोलोगे कि ये कौन सी साउंड होगी, तो ये वुशिंग साउंड होगी, वुशिंग साउंड, वुशिंग साउंड। एयर को आपने 10 ml एयर को अंदर इंसर्ट किया, इंसर्ट करते टाइम आपने स्टेथोस्कोप लगा के सुन रहे हो, सुनते टाइम वुश करके एक साउंड आएगी, उसको बोलोगे कि ये वुशिंग साउंड है। और ये हमारे पास सेकंड बेस्ट प्रायोरिटी है हमारी, फर्स्ट बेस्ट प्रायोरिटी क्या, तो आप बोलोगे फर्स्ट बेस्ट प्रायोरिटी ऑलवेज बी एस्पायरेशन नर्सिंग ऑफिसर की। बोलोगे बेस्ट कंफर्मेटरी कौन सा है, तो बोलोगे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में करवा सकते हो, एक्सरे बेस्ट है, एक्सरे आपसे आप देख लोगे, विजुलाइजेशन कर लोगे। विजुलाइजेशन किसका होगा, तो जो एनजी ट्यूब डाली है उस पर रेडियो ओपेक लाइन है, फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, उसका विजुलाइजेशन कर लेंगे हम। ऑस्कल्टेशन को सेकंड प्रायोरिटी क्यों मानते हैं, तो आप बोलोगे ऑस्कल्टेशन को सेकंड प्रायोरिटी इसलिए मानते हैं क्योंकि आप ऑस्कल्टेट कर रहे हो, हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए, आप पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को वुशिंग साउंड समझ लें, इसलिए सेकंड प्रायोरिटी में हमारा रहता है कि हम लोग ऑस्कल्टेशन को सेकंड प्रायोरिटी मानते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा एस्पायरेशन रहता है। एस्पायरेशन में 5 ml को गैस्ट्रिक कंटेंट को हम निकालेंगे, स्टमक कंटेंट में से 2 ml से पीएच चेक करेंगे, 3 ml को वापस अंदर डाल देंगे। वापस अंदर अगर हमने नहीं डाला, आप बोलोगे कि अगर जो 3 ml है उसको इतना क्यों सर जोर दे रहे हो, 3 ml को रीइंसर्ट करने की क्या जरूरत है, 3 ml ही तो है, तो आप बोलोगे अगर 3 ml को रीइंसर्ट नहीं किया, तो 3 ml को रीइंसर्ट नहीं किया तो फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, इंबैलेंस हो सकता है। तो यहां हमने देखा कि प्रोसीजर क्या रहेगा, प्लेसमेंट कैसे चेक करनी है। प्रोसीजर में हमने देख लिया कि पोजिशन हाई फाउलर पोजिशन या सिटिंग पोजिशन देते हैं, जिसमें हेड को आगे की तरफ बैंड कर रखते हैं, हैंड बैंड करने का कारण है कि ट्रेकिया क्लोज हो जाता है। हमने देखा साइड सिलेक्शन कौन सी करेंगे, तो लेफ्ट नॉस्ट्रल का इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल का इस्तेमाल करेंगे, राइट को अवॉइड करना है क्योंकि वहां नेसल सेप्टम डेविएशन पाया जाता है, और डेविएशन की तरफ से अगर आपने नेंजी ट्यूब डाली तो ब्लीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आप ज़ाइलोकेन जेली को अप्लाई करोगे ट्यूब के ऊपर, तो वो दो काम करती है, लुब्रिकेट भी कर देती है तो इजीली अंदर चली जाएगी, और एनेस्थीसिया इफेक्ट भी देती है, तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट का महसूस होगा। कितना करेंगे, तो 4 से 6 इंच स्टार्टिंग की टिप को आप एनजी ट्यूब को लुब्रिकेट करेंगे। नेक्स्ट आप नॉस्टल्स को क्लीन करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से, फिर ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। ट्यूब को जब इंसर्ट करेंगे पहले तो बैकवर्ड करेंगे, जैसी ओरोफेरिंक्स तक पहुंचती है तो डाउनवर्ड करेंगे, डाउनवर्ड के साथ साथ आप रोटेटिंग मोशन में करेंगे। आप जब ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हो उसके साथ साथ पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देने हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या देना है कि उसको बोलना है कि आप ट्यूब को सोलो करो, सोलो करना है पानी जैसे आप पीते हो वैसे। ट्यूब को आपने सोलो करवा दिया, आपने पूरी अच्छे से डाल दी, अब आप इसको प्लेसमेंट चेक करोगे कि ये ट्रेकिया में तो नहीं है। तो सबसे बेस्ट तो मेथड है कि आप एक्सरे कर लो, पर एक्सरे
एक्सरे सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे होता है, बार बार आप एक्सरे नहीं कर सकते, तो आप नर्सिंग ऑफिसर की प्रायोरिटी जाती है कि आप एस्पायरेशन करके देखें और या फिर ऑस्कल्टेशन करके देखें। एस्पायरेशन के अंदर आप 5 ml गैस्ट्रिक कंटेंट को निकालते हैं, उसमें से पीएच चेक करते हैं, बाकी को बच्चे को अंदर डाल देते हैं। ऑस्कल्टेशन के अंदर आप 10 ml एयर को पुश करते हो बाय द हेल्प ऑफ सिरिंज और ऑस्कल्टेट करते हो बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, जो साउंड सुनाई देगी उसे बोलेंगे वॉशिंग साउंड। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमने अब सब कुछ प्लेस कर दिया, सब कुछ बढ़िया कर दिया, हमने अपनी ट्यूब डाल ली, चेक भी कर ली, अब हम उस ट्यूब की केयर कैसे करेंगे, रेगुलर टाइम में हम उसकी केयर कैसे करेंगे। तो केयर ऑफ एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब केयर में हम दो चीजें देखते हैं कि या तो आप उसे फीडिंग दे सकते हो या तो आप उसे मेडिकेशन दोगे। सक्शन इरिगेशन करोगे तो अलग बात है, हम नॉर्मल दो चीजें करते हैं, फीडिंग और इरिगेशन और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो फीडिंग में हम बोलेंगे कि फीडिंग जब करते हैं तो फीडिंग से पहले बोलेंगे बिफोर फीडिंग, बिफोर फीडिंग, बिफोर बिफोर फीडिंग, आप बोलेंगे बिफोर फीडिंग आपको दो चीजें देखनी है। बिफोर फीडिंग सबसे मेन जो चीज है, तो आपको सबसे पहले फीडिंग, हर बार जितनी बार भी आप फीडिंग कराएंगे, जितनी बार भी आप फीडिंग कराएंगे, तो आपको उससे पहले प्लेसमेंट चेक करना है, चेक द प्लेसमेंट, चेक द प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, ऑफ एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करना है, कहीं प्लेस जो कहीं ऐसा तो नहीं है एनजी ट्यूब डिसलॉज हो गई है और आप फीडिंग कराओ तो वो ईसोफेगस से स्टमक में जाने की जगह ट्रेकिया में लंग्स में चला जाए। तो आपको हर बार ट्रेकिया की, हर बार आपको एनजी ट्यूब की प्लेसमेंट चेक करना है बिफोर एवरी फीडिंग, बिफोर एवरी फीडिंग, हर फीडिंग से पहले। अब प्लेसमेंट चेक करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आप हर बार एक्सरे नहीं करा सकते, यही बात मैंने पीछे बोली थी कि हर बार एक्सरे नहीं करा सकते, तो आप बेस्ट मेथड कौन सा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाता है हमारे पास एस्पायरेशन, एस्पायरेशन, या फिर आप बोलते हैं कि एस्पायरेशन नहीं है तो आप सेकंड प्रायोरिटी पे दे सकते हो कि ऑस्कल्टेट करके देख लेंगे, ऑस्कल्टेट करके देख लेंगे, ऑस्कल्टेशन करके देख लेंगे। बिफोर फीडिंग और क्या रखना है, तो बिफोर फीडिंग आपको प्लेसमेंट चेक करना है, बिफोर फीडिंग आपको एक और चीज याद रखनी है कि बिफोर फीडिंग आपको रेजिड्यूअल वॉल्यूम को चेक करना है, रेजिड्यूअल वॉल्यूम को चेक करना है, बिफोर फीडिंग रेजिड्यूअल वॉल्यूम को चेक करना है, रेजिड्यूअल वॉल्यूम को चेक करना है। रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, बिफोर फीडिंग, बिफोर एवरी फीडिंग चेक द रेजिड्यूअल वॉल्यूम, रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, तो रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, रेजिड्यूअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो स्टमक के अंदर हर समय रहता है, जो कि नॉर्मली अमूमन 100 ml होता है, और रेजिड्यूअल वॉल्यूम अगर आपको मोर देन 100 ml मिलता है, आप बोलते हो कि मोर देन 100 ml अगर रेजिड्यूअल वॉल्यूम है तो आपको फीड अवॉइड करवानी है, अवॉइड द नेक्स्ट फीड, अवॉइड द नेक्स्ट फीड, अवॉइड फीडिंग, फीडिंग अवॉइड करवानी है। क्या कारण है इसका, आपने रेजिड्यूअल वॉल्यूम चेक किया, आपने सारा फ्रूट जो था जो भी स्टमक कंटेंट उसको निकाला और वो 100 ml से ज्यादा है, तो मतलब है कि जो आपने पहले फीड दी थी वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, वो आगे की तरफ नहीं जा रही, तो आप दूसरी फीड दोगे वो भी नहीं जाएगी, सारी की सारी स्टमक में रहेगी, तो इसलिए कभी भी 100 ml से ज्यादा रेजिड्यूअल वॉल्यूम अगर दिखता है तो आपको उसको अवॉइड करना है, फीडिंग नहीं करानी है। दो चीजें फीडिंग से पहले, एक तो प्लेसमेंट चेक करनी है, एक रेजिडुअल वॉल्यूम चेक करना है, रेजिडुअल वॉल्यूम 100 ml से हमेशा कम ही होना चाहिए तभी फीड करवाते हैं, ज्यादा है तो हम नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तब आपके करेंगे मेडिकेशन, आप जोगे तो आपके लिए याद रखना है कि